सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को तोंद दलाल विराजे सुत गोरी हर को हाथ दिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कही न जाए नूपद को जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। गली नो टांगण बंदे ने चरण डोल्या ने पाई ने रूपे तुझे प्रेमी आलिंगी ने आनंद पूजे ने बावे नुवासित मणे नमा तुम्हें वो माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सघा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव। काये निवासा मनसेन्द्रियन्वा बुद्धात्मनावा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञ सकलम परस्मे नारायणायते समर्पयामि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरवम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। आप सभी को पीएसपी परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता आपके नववर्ष में किसी भी प्रकार के विघ्नों से आपकी रक्षा करें। आज हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष के बारे में। आखिर हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब से हुई, हिंदू नववर्ष कौन से पंचांग के ऊपर आधारित है और हिंदू नववर्ष आखिर कब से इसकी शुरुआत होती है, कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी दुनिया में जो संवत चलता है उसे ईसवी संवत कहते हैं, क्योंकि ईसवी संवत की जो शुरुआत है ईसा मसीह, जो ये भगवान दिख रहे हैं आपको भगवान ईसा मसीह, उनके जन्म से इसकी शुरुआत होती है। उनके जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से ईसवी संवत की शुरुआत होती है। और ईसा मसीह अंग्रेज़ों के भगवान थे और आपको ये पता होगा कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, इसीलिए उन्होंने अपना जो संवत है वो पूरी दुनिया के ऊपर लागू किया था। आज भी ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारा जो बेसिकली जो हिंदू नववर्ष है उसकी शुरुआत विक्रम संवत के ऊपर लागू हुए। अब समझना, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले का काल ईसा पूर्व कहलाता है और उसके बाद का काल ईसवी कहलाता है। अब ईसा मसीह का जन्म तो यूरोप में हुआ था, अब भारत में उस समय भी कुछ प्रोसेस चल रही थी, भारत में भी गणनाओं के लिए किसी किसी संवत की जरूरत होती थी। तो विक्रम संवत जो था वो 57 साल ईसा पूर्व की बात है, कब की, ईसा मसीह से जन्म से पहले हमारा विक्रम संवत, हमारा जो भारतीय नववर्ष का जो संवत है उसकी शुरुआत हो चुकी थी 57 साल ईसा पूर्व की बात है। ये राजा विक्रमादित्य दिख रहे हैं आपको, ये उज्जैन के राजा हैं और इन्होंने विक्रम संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व में, जिसके ऊपर हम आज भारतीय नववर्ष मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत के ऊपर आधारित है और ये ईसा के जन्म के बाद की घटना है, 78 ईस्वी की बात है। ये कुषाण वंश था जिसका राजा था कनिष्क, उन्होंने शुरुआत की थी शक संवत की। और हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है इसी के ऊपर आधारित है, जबकि हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो विक्रम संवत के ऊपर आधारित है और पूरे दुनिया के अंदर जो संवत चलता है उसे ईसवी संवत कहते हैं। अब हम बात करते हैं आज नववर्ष के बारे में, तो जो विक्रम संवत है बेसिकली हम उसकी बात करेंगे। विक्रम संवत के अंदर 12 महीने हैं, जैसे हमने अंग्रेजी महीने भी 12 हम देखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन वो ईस्वी के ऊपर आधारित है। जबकि हम बात आज किसकी कर रहे हैं, विक्रम संवत की, हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष की बात करते हैं। तो भारतीय नववर्ष के अंदर 12 महीने हैं, टोटल कितने महीने हैं, 12, जिसने आपने नाम भी सुने होंगे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन वगैरह सुने। अब ये जो महीने हैं बेसिकली आपने ये भी सुना होगा कि मार्च 31 का होता है, फरवरी 28 का होता है, दूसरे महीने 30 के होते हैं। तो बेसिकली जो भारतीय नववर्ष के जो भी महीने हैं या भारतीय जो महीने हैं वो सब 30 दिन के होते हैं और 30 दिन को भी दो पखवाड़ों में बांट देते हैं। 15 दिन का कृष्ण पक्ष चलता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष चलता है। क्या है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आगे देखेंगे, पर आप बात इतनी जान के रखना कि भारतीय महीने जो हैं विक्रम संवत के ऊपर आधारित हैं और 12 महीने हैं और लगभग जो चैत्र है वो अंग्रेजी महीनों की अगर तुलना करें तो ये लगभग आता है मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में आता। और भारतीय जो महीने हैं वो 30 दिन के ही होते हैं। क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये भी देखेंगे। अब ये जो पूरा चांद दिख रहा है इसको तो अपन कहते हैं पूर्णिमा, क्या कहते हैं, पूर्णिमा। और ये जो दिख रहा है चांद का धीरे धीरे बढ़ना और चांद का धीरे धीरे घटना, यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है।
अब शुक्ल पक्ष का मतलब ये होता है कि शुक्ल था अपनी चांदनी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। देखो ये चंद्रमा पहले छोटा है, उसके बाद धीरे और बढ़ा, उसके बाद और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक दिन लास्ट जो 15वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, जिसे हम क्या कहते हैं पूर्णिमा, जिस दिन चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ दिखाई देता है, पूर्णिमा। अब कृष्ण पक्ष की शुरुआत जैसे होती है, चांद धीरे धीरे छोटा होने लगता है, अंधेरा आ जाता है, और फिर अंतिम दिन इसका जो 15वां दिन होता है वो कहलाती है अमावस्या। अमावस्या कहलाती है, समझ आया यहाँ पे चीजों को? क्या कह रहा हूं मैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और 15वां दिन जैसे ही आता है पूर्णिमा होती है, और धीरे धीरे जैसे ये पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। और एक बात आपको बता दूं, जो पूर्णिमा होता है वो महीने का आखिरी दिन होता है। क्या है चीजें समझना है यहाँ पे मैं बता रहा हूं। अगर हम बात करें महीने की शुरुआत, अगर महीने की शुरुआत की बात करें तो महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। कौन से पक्ष से? कृष्ण पक्ष की एकम से। जबकि हम हिंदू नव वर्ष की बात करें, अगर नव वर्ष की शुरुआत कब से होती है तो वो होती है पहला महीना कौन सा? चैत्र। अब चैत्र की कृष्ण पक्ष से शुरुआत नहीं होती है, महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से भले हो जाए लेकिन वर्ष की शुरुआत होती है शुक्ल पक्ष की एकम से। एकम से। उसके बाद अगर बात करें कि तो महीने का आखिरी दिन जो होता है, महीने का अंतिम दिन, अंतिम दिन वो क्या कहलाती है? पूर्णिमा। क्यों पूर्णिमा कहलाती है? क्योंकि महीने की जो शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष से हो रही है। ये कृष्ण पक्ष है, कितने दिन चलाइए? 15 दिन। क्योंकि 15वें दिन यहां पे क्या आ गई? अमावस्या। अमावस्या। और उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो 15वां दिन होता है वो क्या कहलाता है? पूर्णिमा। क्या कहलाता है? पूर्णिमा। अब 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के, ठीक है, ये दोनों मिलके 30 दिन हो गए, और भारतीय महीने 30 दिन के ही होते हैं। तो महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, ठीक है, उसके बाद कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं, उसके बाद शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, और महीने का जो आखिरी दिन होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेना, महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से एकम से होती है लेकिन जो वर्ष की शुरुआत है वो चैत्र शुक्ल एकम से होती है, शुक्ल पक्ष की एकम से होती है। महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा कहते हैं। महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। इस शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहते हैं और कृष्ण पक्ष को बदी भी कहते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा, कभी कैलेंडर वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बदी है और सुदी है। तो सुदी का मतलब शुक्ल पक्ष है, बदी का मतलब कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या है और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा है, और महीने का भी आखिरी दिन पूर्णिमा कहलाता है। 2 पखवाड़े हैं, ठीक है। तो ये जानकारी है आपको बता दी गई है बेसिकली, ठीक है। तो विक्रम संवत, राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। जो आज हिंदू हमारा नव वर्ष है, यहाँ भारतीय नव वर्ष है, इसकी शुरुआत विक्रम संवत के ऊपर आधारित है। उसके बाद ये 12 महीने हैं उसके, हर महीना 30 दिन का होता है, 30 दिन में 2 पखवाड़े होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो महीने की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है? महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकम से होती है, जबकि वर्ष की शुरुआत जो आज हमारा नव वर्ष की शुरुआत है वो चैत्र शुक्ल एकम, जिसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, पहला दिन, और महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, क्योंकि शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या, और उसके बाद शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा, ठीक है। अपेक्षा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नव वर्ष में कुछ नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी प्रतिभा किसी से कम नहीं है। हम अपने आप में एक सिकंदर हैं, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए वर्ष में नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। एक लाइन आपके लिए, अंधेरा घना था, मशाल जलानी ज़रूरी थी, मंजिल काफ़ी दूर थी, रफ्तार बढ़ानी भी ज़रूरी थी, और कुछ कबूतर आसमान को अपनी जागीर समझ बैठे थे, इसलिए इस बाज को उड़ान भरनी भी ज़रूरी थी। आप भी उड़ान भरें, क्योंकि आप पतंग नहीं हो, पंछी हो, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप हर हमेशा आगे बढ़ते रहें। नववर्ष में PSP परिवार की तरफ से आपको एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।